रुद्राक्ष क्रिकेट क्लब की ओर से प्रधान गगन ठाकुर की अध्यक्षता में करवाए जा रहे तीसरे क्रिकेट टूर्नामेंट के 19वें दिन विक्की जैलदार 11 व अशोक 11 के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ। इस दौरान रिक्की ठाकुर मुख्य तौर पर उपस्थित हुए व रिबन काट मैच का शुभारंभ किया। टूर्नामेंट में आईपीएल खेल चुके खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। जरा मैच है ये विक्की जैलदार दे विच ते अमृतसर दी टीम दे विच हो रहा है। ये क्वार्टर फाइनल का चौथे राउंड का मैच है। ये जिहड़ी टीम अज जितेगी ये सैमीफाइनल से चली जाएगी। इहदे विच विक्की जैलदार दी टीम दे विचों आईपीएल दे प्लेयर शिवम जी आए ने, जिहड़ा साडे पठानकोट वास्ते बड़ी फखर की गल है और साडे जिहड़े क्रिकेट प्रेमी है इहदे वास्ते बहुत अच्छा एक जन सबक मिलेगा कि एक अच्छे प्लेयर इत्थे आ रहे हैं जिंदे वल देख के इन्हां मोटिव होएगा कि असीं भी अच्छा खेलने की कोशिश करिए और अच्छे सतर से जा सकिए। इतने मेहमान जिहड़े अज साडे आए रिक्की चौधरी जी आए हैं जिहड़े पीसीसी क्रिकेट क्लब के कैप्टन रह चुके हैं, जिन्हें पठानकोट के बहुत अच्छी क्रिकेट दिती है और आप भी बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, जिहड़े बैट्समैन बहुत अच्छे से पीसीसी की टीम को काफ़ी ज़्यादा इन्हें अगे वॉलंटियर लै गए है। उसने 3 साल तो आ रहे हैं तो मैं पहले तो थैंक्स करना रुद्राक्ष क्रिकेट क्लब पूरे मैंबरस का, प्रेजिडेंट गगन ठाकुर जी का जिन्होंने मैं बुलाया सम्मानित किया लिया के मैं, तो मैं पिछले 3 साल तो देख रहा कि हर साल ये नवी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, बाहरों बहुत अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, हर टूर्नामेंट के वधिया तो वधिया प्लेयर आ रहे हैं, वधिया टूर्नामेंट हो रहे हैं, कैश प्राइज़ भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, हर साल इनक्रीज़ कर रहे हैं। ये नाल ये है कि युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा इतने प्लेटफॉर्म मिल गया है लुमिनी ग्राउंड के जिहड़ा कि आने वाला स्टेडियम भी है साढ़े। मैं इस तो जिन्ना भी वधिया होर करा सकते हैं साड़ी जिथे साड़ी होर हैल्प अही कर सकते हैं इन्हों अही करांगे। सारे एक टीम वर्क है, सारी टीम इन्हों की बहुत वधिया है, पूरे एफर्ट्स इन्हों 100% दे रहे हैं। तो मैं बस अगेन इन्हों का थैंक्स करांगा कि मैंने उन्होंने बुलाया। बिल्कुल ठीक गल है, जे अपने जो यूथ है स्पोर्ट्स वाल ध्यान देंगे तो नैचुरली है कि नशे वाल नहीं जाएंगे। तो मैं तो यही कह कि नशा तो दूर रहना चाहिए तो स्पोर्ट्स वाले पास ध्यान दो। कोई भी स्पोर्ट्स है, जरूरी नहीं है कि क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स है, सारी स्पोर्ट्स अपनी अपनी जगह ठीक है। तो जिदा जिदे मन लगता है दिल करता है या जो भी करना चाहता करना चाहिए। बस यही कहना चाहवा कि यूथ में यह चीज़ों अवॉइड करना चाहिए।